बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक मज़े में खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने एग्जाम में रखे। अल्लाह मियाँ को ढेर खुशियाँ दे। अल्लाह मियाँ जो जो सलाम मुतासरीन है, अल्लाह मियाँ उनकी गैब से मदद फरमा, जो बहुत मुश्किलों में हैं, जिनके लिए शायद हम जा के भी कुछ नहीं कर पा रहे। जितने जितने हमारे बस में हैं शायद हम उतना ही कर सकते हैं। परवरदिगार उनकी गैब से मदद फरमा, तो आमीन। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अरबी। ठीक है, चिकन अरबी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास है चिकन, तीन दरमियानी प्याज हमारे और तीन प्याज है। तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्टेज है, तो मैंने कब क्या काटूँ और क्या वो करूँ, उसको भूनूँ। तो मैंने क्या किया, इसको ब्लेंडर में थोड़ा सा पीस दिया, ठीक है ना। और आधा किलो मैंने अरबी लिए, तीन दरमियानी मैंने लिए हैं टमाटर, ठीक है। मसाले में वो वही नॉर्मल मसाले जो आपके घर में नॉर्मली होते हैं और आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसमें चाहिए हसबे जायका नमक, और एक चम्मच हमें चाहिए लाल मिर्च, और आधी चाय का चम्मच हमें चाहिए हल्दी, आधी चाय का चम्मच चाहिए हमें धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच चाहिए हमें सफ़ेद ज़ीरा, और जो है ना एक चाय का चम्मच भर एक खाने का चम्मच हमें भर के चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने डेगची में ऑयल लेना है। तो देखिए गाइस, अब हमने इसमें डाल दिया है एक कुकिंग ऑयल, ठीक है ना। अब हम इसमें बारी बारी डालते जाएंगे। और याद रखिएगा, जो हम हमेशा यही बात कहती हूँ मैं, कि जितना मसाले को आप भूनेंगी उतना अच्छा सालन भी बनेगा और जायका भी आएगा, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हमने डालना है प्याज, ठीक है। अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज। अब हम इसको करेंगे गोल्डन ब्राउन। अगर हमने ज़्यादा ब्राउन किया तो हमारी शक्ल में शक्ल ख़राब हो जाएगी। और याद रखें, जब अब आपका सालन की शक्ल ख़राब हो जाती है तो फिर टेस्ट कितना भी अच्छा हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहता, क्योंकि लोग खाते नहीं हैं। शक्ल देखते ही कहते नहीं, हमें भूख नहीं है, हमें खाना नहीं है, वो ये सब कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हम करेंगे इसको ब्राउन। और असल में जो ना, जब आपके पास टाइम कम हो तो आप जो ना दूसरे ब्राइंडर में आप इनको पीस लें, ताकि फटाफट बन जाए, क्योंकि काटने और पीसने में बहुत टाइम लगता है। तो जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं बेहतर समझती हूँ कि मैं पीस लूँ उसको। तो सही होता है कि फटाफट फिर आपका सालन तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखें, अब हमारा प्याज होने जा रहा है लाइट ब्राउन, ठीक है ना। अब बस जैसे ये लाइट ब्राउन होगा, हम इसमें डाल देंगे टमाटर पीसे हुए। अच्छा, हम जब हम इसमें पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड जैसा होता है, तो इसीलिए प्याज ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टमाटर का पानी सूखने में टाइम लगता है। तो इसलिए पहले हम उस टमाटर और प्याज के पानी सूखने का वेट करते हैं, ठीक है ना। इसमें नहीं, और हम इसमें सारे टमाटर डाल दें, ठीक है ना। ये देखें, हमने इसमें सारे टमाटर डाल दिए, ये देखें। अब इसी पानी में इसके टमाटर में हमने पानी डाला है, इसमें प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगी और हमारा टमाटर भी, ठीक है ना। ये देखें, फिर आप जब घी छोड़ेगा ना, ये प्याज और टमाटर एक हो जाएंगे, फिर उसके बाद तमाम मसाले डालेंगे, फिर हम उसका डालेंगे चिकन, ठीक है। आगे आप देखते जाए क्या होता है। और बस एक बात हमेशा मेरी याद रखें कि इसमें आपने क्या करना है, भुनाई अच्छी करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी उतना अच्छा आपका कलर होगा और जायका होगा। ये देखिए, अब हमारा टमाटर में से तेल अलग से आ रहा है, ठीक है ना। देख रहे हो क्या, अब आप देख सकते हैं टमाटर भी तकरीबन पानी थोड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हम इसको करेंगे साफ, जस्ट ना अटक जाए सब्जी, ठीक है ना। अब हम इसको लहसुन को बनाने में मिक्स करेंगे, काटेंगे इसका अदरक लहसुन का थोड़ा सा स्मेल खत्म हो जाए, ठीक है ना। फिर उसमें हम बारी बारी मसाले डालेंगे, फटाफट बन जाता है, वहाँ बहुत आसानी से बनता है,
और साइकिल बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ बनाएं, हर चीज़ अपने बच्चों को खिलाएं ताकि आपके बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत हो। ठीक है ना, थोड़ी मेहनत होगी, जायका तो आएगा, सब बच्चे ऑटोमेटिकली हर चीज़ खाएंगे। अब इसकी स्मेल निकल गई है, अब हम इसमें डालेंगे तमाम मसाले एक साथ। ठीक है ना, मसाला सारा टमाटर के अंदर मिक्स। ठीक है, नजर आ रहा होगा कलर भी का चेंज हो गया। और फिर इसको बनाए क्या रखे, फिर हम इसको पानी डाल के फिर थोड़ा एक भूनेंगे, फिर उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। इसी स्टेज पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे ना टमाटर सही से हुए हैं ना हमारे प्याज सही से हुए। ठीक है, ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब हम इसको नॉर्मल आंच में रख देंगे ताकि पानी सूख जाए, तो ये मसाला भी रेडी हो जाए। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे, चिकन में इतना टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा मसाला कहाँ तक पहुँचा है। बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम, इसका मतलब है अब इसमें जो हमने पानी था हमारा वो हो गया ड्राई। ठीक है, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन फटाफट। देखिए हो गया, और हमें इसकी चिकन का फ्राई करनी है इतनी अच्छे से ताकि चिकन की स्मेल खत्म हो जाए। अब हम इसको इतना करेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। मिक्स हो गया और कलर भी चेंज हो गया, अब खुशबू भी कच्ची मसाले की नहीं आ रही। ठीक है ना, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी भिंडी लाइन पर मसाला ना लगे। हल्का हल्का हम डालते रहेंगे क्योंकि अभी तक हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड किया ही नहीं है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा और सॉफ्ट होगा तो फिर हम हल्दी भी साथ ही डालेंगे क्योंकि बुनाई तो हमारी अब हो गई है। ठीक है ना, फिर आप बुनाई के लिए थोड़ा सा अरबी डाल के भी छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम शुरुआत करेंगे इसमें। तो आप मेरे साथ में देखें मैं करती क्या हूँ। अब आपको दिख भी रहा होगा मसाला हमारा, देखें अब पानी खत्म हो गया, मसाला हो रहा है अलग ही। अब हम इसमें बुनाई करेंगे, फिर हम उसको भी डाल के भूनना और 2 मिनट से हम छोड़ने के बाद फिर हम उसमें शुरुआत करेंगे ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो। तेल आ रहा है, अब हम इसमें फिर हमने हरी मिर्ची भी डाली है ताकि बुनाई में खुशबू आ जाए, क्योंकि चिकन में अपना कोई टेस्ट होता ही नहीं आपको पता है। अब हम मिर्ची का उसको अच्छे से बनाए करके थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। अब अच्छे से इसकी थोड़ी सी कोई बुनाई, अब हम थोड़ा सा शोरबा करेंगे थोड़ा सा भूनने के लिए ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, टेस्ट आ जाए अलग ही अंदर जो पानी का मसाले का। ठीक है ना, बस ज़्यादा ही डालना क्योंकि वरना हमारी चिकन ना जाएगी टूट। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसमें मसाले का टेस्ट आ जाए अलग के अंदर और चिकन के अंदर भी। अब हम इसको थोड़े से दम पे पकाएंगे, फिर उसके बाद हम भून के छोड़ें। तो आइए देखिए अब ये हमारा मसाला कहाँ तक पहुँचा है। ज़्यादा और करेंगे तो चिकन टूट जाएगी। ठीक है ना, अभी हमने इसको वैसे भी ग्रेवी के लिए छोड़ना भी है। हमारी अरबी गल भी जाएगी। ठीक है ना, अब इसी टाइम पे हमें थोड़ा सा डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, ये देखो थोड़ा सा डालना है हमें आधी चम्मच। ठीक है, अब हम इसकी कस्ते करेंगे भुनाई
फिर हम इसमें डालेंगे शोरबा। फिर हम इसको गलने के लिए 10 मिनट के लिए और मज़ी छोड़ देंगे। और फिर आप खाइएगा और भी चिकन का खाना है, बड़ा जायकेदार और मज़ेदार। एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार आपका दिल करेगा खाएं और बनाएं। ये देखिए अब इसके ऊपर आ रहा है हल्के हल्के ऑयल। ऑयल का मतलब है मसाले में अगर वो फूल फूले होके निकल रहा है तो इसका मतलब है आपका हो गया मसाला रेडी। देखिए जब मसाला तैयार होता है तो उसके बीच में से ही ऑयल निकलता है, तो उसका मतलब है आपका मसाला हो गया रेडी। ठीक है, थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर उसमें भुनाई ही का सारा काम है, समझ में और कोई मेहनत नहीं है। क्योंकि जब हम अच्छे से भुनेंगे नहीं तो जायका नहीं आएगा। आप देख रहे हैं ये मसाले में से कैसे तेल निकलता है। हम दो तीन मिनट और भूनेंगे, जब तक अच्छे से सारा तेल भी छोड़ना है, क्योंकि तेल ही मसाले को पकाता है। तो ये तेल आता ही जब है जब इसमें पानी में खत्म हो जाता है, भी जाता है। फिर अगर थोड़ा सा मसाले में चाट भी होती है तो उसको कवर करता है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा मसाला हो गया है रेडी। इसमें जबरदस्त का कलर आया है इसमें, और ये देखिए कोई हमारा मसाला साबुत नहीं है, सब मिक्स हो गया, सब जुड़ गया आपस में। ठीक है, अब इस जगह हमें उतना ही शोरबा करना है जितना हम खाते हैं। ठीक है ना, ये तो खुला बना है। अगर आप लोग खट्टा खाते हैं तो हल्का सा लेमन जूस ले लीजिएगा, करीबन 1 टीस्पून, वो 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा। उससे भी बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। हमारे तरफ खट्टा खाते नहीं है तो मैं नहीं डालती, तो वो खट्टा खाते हैं वो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दे। ठीक है ना, अब ये देखें, अब हम इसको बस इसी में रखेंगे, इसी में दम भी आ जाएगा और अरबी भी हमारी जल जाएगी। ठीक है ना, 10-15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो गाइस अब हम देखते हैं हमारे सालन अब कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, हमारा सालन बिल्कुल रेडी पे है। इसको हम डालेंगे अब ये हरा धनिया डाइजेशन के लिए। देखें बहुत ज़बरदस्त बनती है, इतनी प्यारी माशाल्लाह खुशबू है। हम आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो जो मेरे चैनल पर अभी न्यू है तो प्लीज़ वो मेरे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे हर आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन को मिल जाए आसानी से। तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक को जरूर दबाइएगा। कल नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।